अपडेट को स्वागत करुचुरी प्रथमे हेडलाइंस। राजधानी में पुणि धलाचहर चिंता, केसुरारु 550 ग्राम ब्राउन सुगार जबत, दुई गिरफ। नगद 34,80,000 टंका जबत कला शहीद नगर पुलिस। मुख्य ड्रग पेडलर फरार। ओडिशा रो केउठारे लुचिछंती आतंकवादी। पूर्व 2019 ओडिशा को एनआईए करिथिला अलर्ट। ओडिशा, आसाम, झारखंड में बढ़ी जमात उल मुजाहिदीन गतिविधि। गुइंदा विभाग पाखरे अचिना नहीं खबर, ताकु नहीं उठला प्रश्न। आज कोर्टे हाजर हेले वर्षा अनुभव बापोस। बुझापणा होइपारे मध्यस्थता, पूर्वर मध्यस्थता हाजर होइथिले उभय। राज्य में कोरोना मृत्यु में लगुनि ब्रेक, पुणि 65 जीवन नहीं भाइरस। खोर्धारु सर्वाधिक 20 मृत्यु, सेपटे 24 घंटा 2074 नुआ पॉजिटिव। खोर्धारु 443 आक्रांत। जन्मवेदी में पूजा पाउछन्ते कला ठाकुर। आज आड़प मंडप में स्वतंत्र नीतिकांति। टोकन नहीं बसस्टाण और उत्तर द्वार निकटर श्रद्धालु नहीं पारे महाप्रसाद। सेपटे श्रीमंदिर मरामतिर अनुधान करुछन्ते विशेषज्ञ टीम। सेवा कम टिकस बेसी, बिल बोझ सह अघोषित बिजुली काट को नहीं बीजेपी हल्ला बोल। आज 20 जाए राज्यव्यापी विद्युत ऑफिस आगे प्रतिवाद कर दल। राज्य सरकार को नीति को नहीं उठाला प्रश्न। एवं नयागढ़ कुनी झी परी मामला को पूरला बर्षे। न्याय अपेक्षार लड़े जारी रखिंट परीर बापा मा। एसआईटी तदंत उपर नहीं भरोसा, सुप्रीमकोर्ट में सीबीआई तदंत दावी कर। आज संपूर्ण खबर को। राजधानी भुवनेश्वर केसुरा अंचल ब्राउन सुगार जबत, जार आनुमानिक मूल्य 55 लाख टंका हेबो। एहा सह नगद 34,80,000 टंका मध्य जबत होइछे। एथिरे जड़े युवक और महिला गिरफ होइथिबा बेले मुख्य ड्रग पेडलर फेरार अछि। तबे कोनोसे सूत्र खबर पाई शहीद नगर पुलिस आज अतर्कित भाव चढ़ाउ करथिला। चढ़ाउ समय किछि धला जहर नष्ट करी दिया जाइथिबा खबर मध्य सामना आसिछे। तबे मुख्य आसामी को एबे भी खोजुछि पुलिस। कमिशनर कहते गत 5 मास मध्यरे ट्विन सिटी पखापाखि 5 kg 100 ग्राम धला जहर जबत हो सारा। राजधानी भुवनेश्वर केसुरा अंचल ब्राउन सुगार जबत। पुलिस कमिश्नर सौमेन्द्र प्रियदर्शी सांबादिक सम्मेलन कर सूचना देते जार आनुमानिक मूल्य पखापाखि 55 लाख टंका हेबो। यहासह नगद 34,80,000 टंका जबत कर। एथिरे जड़े युवक और जड़े महिला गिरफ होता बेले मुख्य ड्रग्स पेट्रोलर फेरार अच्छा। तेज कौन से सूत्र खबर पाई शहीद नगर पुलिस आज अतर्कित भाव चढ़ाउ कर। चढ़ाउ समय किसी धला जहर नष्ट नष्ट खबर सामना आसी। कमिश्नरेट पुलिस जो नार्कोटिक्स विरोधी अभियान जोरदार जारी रही। अभियान आमर क्विक एक्शन टीम संगे शहीद नगर पुलिस मिलित भाव में चढ़ऊ करी शहीद नगर थानार केसुरा अंचल गोटे घरे चढ़ऊ कला से घर 550 ग्राम ब्राउन सुगर एवं मोट 34,80,000 टंका जबत करते। जबत सहित जड़े महिला एवं जड़े युवक को गिरफ्त करते। ओडिशा केउठारे लुचिछंती आतंकवादी, कौन समानक गतिविधि। ओडिशा को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकवादी आसीथिबा नै कोलकाता एसटीएफ अलर्ट करिबा परे ताकुने बढ़िछे चिंता। पूर्वरो एनआईए मध्ये ओडिशा को अलर्ट करिथिला। 2019 अक्टोबर रे ओडिशा पुलिस अफिसर मानंकु एनी तालीम भी दिया जायथिला। परे एनआईए मुख्य ओडिशा, आसाम और झारखंड रे जमात उल मुजाहिदीन रो गतिविधि बढ़ुवा नहीं अलर्ट करते। कोलकाता पुलिस रो स्पेशल टास्क फोर्स बांग्लादेश आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन रो 3 जन संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त कर। पुलिस को यह आतंकवादी देखा सूचना अनुसार ओडिशा रे लुचिछंते किछि आतंकवादी। कोलकाता रो गिरफ आतंकवादी हेले नजीउर रहमान, शेख सबीर और रवीउल। एमानक 2 जन सहयोगी शेख सकील और सलीम मुंसी फरार अच्छा। एमाने कोलकाता हरिदेवपुर एक भड़ा घरे नकली आधार कार्ड करी रहुथिले। फेरार होइथिबा सलीम मुंसी एमानंकु घर एवं आधार कार्ड जोगाइथिला। एमाने निजो परिचय छड़ा मरामती कारीगर एवं फल व्यवसायी भाव काम करुथिले।
युवक निज संगठन में सामिल करने प्रवर्ताउले पूर्व गिरफ होता निज सहयोगी छड़ाई पुलिस उपर आक्रमण करने को योजना कर 2014 में बर्धमान विस्फोरण में एमान संप्रति चढ़ाऊ बेले अनेक बोमा तैयारी करिवार सामग्री जबत होती। पिछले कुछ समय से असम झारखंड एवं उड़ीसा में पिछले कुछ समय से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा इन सभी राज्यों में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रकरणों की विवेचना की जा रही। एनआईए द्वारा इन प्रकरणों की पैन इंडिया बेसिस पर विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की आड़ में जेएमबी द्वारा उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार कर्नाटक केरल महाराष्ट्र इत्यादि में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। एनआईए द्वारा जेएमबी से जुड़े हुए 125 संदिग्ध अभियुक्तों की लिस्ट सभी संबंधित एजेंसियों को सर्कुलेट की गई है। सांसद अनुभव महांते व पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी पारिवारिक मामला विवादा प्रसंग आज कोर्टे हाजर हेले वर्षा अनुभव आपोष बुझापणापाई मध्यस्थता केन्द्र में हाजर हो पारते पूर्व मध्यस्थता केन्द्र में हाजर होते उभय सुफल न मिलबार आज दिन धार्य करोर्ट पक्ष दिन धार्य करजेडी सांसद अनुभव महांते विवाह विच्छेद कोर्टे आवेदन करते वर्षा अनुभव नाँ घर हिंसार अभियोग आनी थाना एफआईआर दायर करते अनुभव और तांक दुई सहयोगी नाँ 498 ए 506 341 दफार मामला भी रुजु हो आड़प मंडपे विराजित चतुर्धा विग्रह आज सका महाप्रभु मंगल आरती मैलम तड़प लगी अधर पोछा नीति सरपापर अवकाश गोपा बल्लभ और सका धूप नीति शेष हो सका धूपने बाहरी प्रथम आड़प अभड़ा जहाक भक्त मैंने बेस खुशी थे बड़ सिंहार भेष और भोग शेष होगापर आज सका महाप्रभु मंगल आरती मैलम तड़प लगी अधर पोछा और अवकाश नीति शेष हो सका धूपने महाप्रभु खेचुड़ी भोग लगे महाप्रभु अभड़ा पाइबा भक्तों मध्य प्रबल उत्कंठा रही है आउ उत्कंठार एवं परिसमाप्ति घटी आड़प अभड़ा प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था कर गत वर्ष भली चलित वर्ष टोकन व्यवस्था हो बसस्टाण उत्तर द्वार निकट में भक्तों पर दुईट सेड कर भक्तों पर पर्याप्त महाप्रसाद थे सुलभ मूल्य मिली सुआर महास्वर निजक पक्षर कह तबे आड़प मंडपे तीन ठाकुर अवस्थान कर भक्तों दर्शन पर संपूर्ण बारण कर श्रीमंदिर चली रूपा द्वार कार्य बेहरण द्वार को कढ़ा जा म्यूजियम रखाई सेपटे से ही द्वार बंध में स्टील फ्रेम लगता बेले से बर्माटिक काठरे तैयारी द्वार को लग उपरे रूपा छाउणी करा जिवो तबे एने गतकाली रातिरे काठ कबाट मंदिर भितर को दक्षिण द्वार दे निया जायछे द्वार लगाजिबा पूर्वरु एहाकु स्टील फ्रेम रे कबाट साइजर प्लाई दे परीक्षामूलक भाबे लगाजिबा सह द्वार को खोलिबा ओ बंद प्रक्रिया करा जिवो एथिरे सफल हेले प्लाई खोला जाय स्थायी भाबे काठ कबाट लगाजिबार व्यवस्था होइछे तबे एएसआई रो वैश्विक टीम रूपा छाउणी पाई स्वतंत्र टीम बम्बे रु आसीथिबा जणापडिछे सेवायत प्रतिनिधि को नहीं गठित कमिटी और श्रीमंदिर वैषयिक कार्यनिर्वाही अधिकारी उपस्थित कार्य जारी रही सेपटे एएसआई पक्षर गर्भगृह जांच होता बेले नाट मंडप जगमोहन भोग मंडप आदि लेजर स्कानिंग करुछंति बम्बेर 6 जणिया सेन्स जिओमाटिक्स लिमिटेड कर्मकर्ता राज्य में कोरोना मृत्यु लगुनि ब्रेक पुणी 65 जीवन नहीं भाईरस खोर्धार सर्वाधिक 20 जनकर मृत्यु हो बरगढ़ 10 सुंदरगढ़ 7 पुरी 6 नवरंगपुर 4 जनकर मृत्यु होशाई राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4795 पहुंची सेपटे 24 घंटे राज्य में 2074 पजिट चिन्हट होते खोर्धार सर्वाधिक 443 कटक 283 पुरी 133 जाजपुर 120 बालेश्वर और मयूरभंज 115 लेखाएं आक्रांत चिन्हट होते आवास योजन माड़ माड़ दुर्नीति दायित्वहीन पंचायत और ब्लॉक प्रशासन
निरीह लोकंक आवास बंधा पड़ी ठिकादारों हाथ में दुई वर्ष बीतीगला हेले घर काम सरी पारुने एभले अभियोग आसी नवरंगपुर जिला झरीगाँ ब्लक पालिया पंचायत बड़निकारो आदिवासी हिताधिकारी 2018-19 मसीह प्रधानमंत्री आवास गृह मिलता किंतु अर्थ अभाव बनमाली भत्रा नामक जड़े ठिकादार को हिताधिकारी गृह निर्माण पर दि जाता दुई वर्ष ऊर्ध समय बीती जाते सुधा घरगुड़िकर निर्माण कार्य शेष हो पारिना कि घर फाउंडेशन कार्य अटकी जाता बेले आउ कि घर निम्नमान लोके अभियोग करते कि घटना संपर्क में अवगत नहां स्थानीय ब्लक उन्नयन अधिकारी कहला से घर बनाबा के देलु से कमल बतरा के दुई बरस आठ मास ही गेला से पानी गल सी कोई कोई सेट रही गलु सरपंच मेम्बर के बेले काम ना कर दे पर से पैसा पत्र पंचावन उठेला आर खाई करी ओगाई करी कटलाई देले ना बनाई देवार आ रही दुई बरस आठ मास ही गेला कोई कोई सेट रही गलु आज बनेबी कल बनेबी बोल सर कटलाई दीची आ रही। सुंदरगढ़ राजगांगपुर सहर लिपलोईठारे प्रस्तावित वर्ज्य वस्तु परिचालना केन्द्र बा एमसीसी प्रकल्प को स्थानीय बासिंदा तीव्र विरोध सहर स्थित लिपलोई पोल निकट में खाली पड़ा सरकारी जगार प्रथम एक बसस्टाण करने योजना था किंतु कौन कारणवशतः उक्त प्रकल्प को बातिल जगार पौर कर्तृपक्ष द्वारा एक वर्ज्य वस्तु परिचालना केन्द्र स्थापन कार्य आरंभ हो जहाँ को स्थानीय बासिंदा विरोध करिछंती समाने कहिछंती जे एठारे एमसीसी प्लांट हैला तबे ता गंधरे रहिबा मुश्किल हेबो एबे पोलो निकटरे थिबा डंपिंग यार्डरु बाहरुथिबा दुर्गंधरु लोके अतिष्ठ हेउछंती ओलिया गतारु बाहरुथिबा मैला पानी पाखरे थिबा नाळ मिसुथिबारु नाळ पानी व्यवहार करि पारु नहंती जहाँ को नै स्थानीय अंचलरे असंतोष देखा दैछि। नदी पाखरे म्युनिसिपालिटी वाला कचरा पके दोछन आनिकरा घर घर कचरा नौछन आनिकर हमर नदी पाखरे पकौछन कचरा नहीं दियो बोले पैसा दियो कौन मालगुजारी दौ होल्डिंग टैक्स दौ सब दौ आनिकर हमर बाटे पके दौन पाखरे हमें नदी में गाधि नहीं पार्बार गंधुचे आठ कचड़ा गदा करछन्दी विरोध कला बेलू से सीओ आसिक म्युनिसिपालिटी आसिक ये झगड़ा कर हाथ हल्ले कि जबरदस्त करूँ मारपीट भी कर आउ कहला बेलू मिछ भी कहते थाना आसी आगे भी मिछ कौन मुझा आप्लिकेसन देलापर मुझ पकईनि कितुतापर भी पकाई आम तार प्रमाण भी रखीचु फटो उठे रखीचु आउे एमती करके आज पूरा बहुत जुक्ति तर्क कर मारपीट करके जामें विरोध तो निश्चय करूँ कहीं आम ये रोच आप सरकार तरफ तहसिलदारपुर से आम दुई एकर आठ डेसीमिल जगह दिखाई एम सी सी करवाई प्रथम से भिजिट कर तहसिलदार सब कलेक्टर सब टीम भिजिट कलापर आमको से जगटा लेबलींग करने प्रथम आमको निष्पत्ति कहले कहे आगे म्युनिसिपालिटी तरफ लेबलींग करतापर आम प्रोजेक्ट कथा फाइनाल आउ थे भिजिट करूँ आम फाइनाल करूँ से अनुसार आम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रुवाल नहीं आम से लेबलींग करूँ। पीडीएस सामग्री हड़प घटन आरंभ है तदंत विभाग अधिकारी और डिलर मधु चंद्रिकारी कणास ब्लक चली हिताधिकारी राशन सामग्री लुट होभोग निर्धारित दर ठारू के चढ़ा दर में सामग्री बिक्री होता तो आउ क्योंठ मसर सामग्री हरिलुट करुले संपुक्त डिलर मैंने कणास ब्लक जंकिया पंचायत होता पीडीएस स्काफ एने हिताधिकारी ब्लक अधिकारी और जिलापा अभियोग करते कौन से सुफल मिल नाला शेषे हिताधिकारी लोकायुक्त निकट में अभियोग करतेपर आज कणास ब्लक में पीडीएस स्काम नहीं तदंत कर लोकायुक्त एक टीम अघोषित विजुली काट सह साधारण जनता मुंडे बढ़ी विजुली बोझ विद्युत परिचालन शक्ति विभाग फेल मारी बेले राज्यर विभिन्न स्थानों आसुच्छे पुलापुला अभियोग बिना मीटर उपभोक्ता पाखक बिजुली बिल आसुवा बेले विद्युत संयोग न हो चाषी ना आसी लक्षाधिक टंकार बिल यह आंदोलन पर अंटा भिड़ी राज्य बीजेपी आज राज्यर सबु विद्युत बंटनकारी संस्थार कार्यालय आगे विक्षोभ और प्रतिवाद कर बीजेपी यहसह भित्तिमि सजाड़ापी के अंचल केते काम हो तार श्वेतपत्र देवा दावी होभोक्ता रिहाती नदे ओएचए पीसी भली संस्था को 5225 कोटी रो जलकर छाड़ नहीं सरकार को पाखरो जवाब मागी बीजेपी। आज परवर्ती खबर को नयगढ़ रो कुनी झियो परी बर्षे तले ठीक आज दिन में अर्थात जुलाई 14 निखोज होता जदुपुर
9 दिन परे मिलिला मात्र केई खंड हाड़। वर्षे बीती न्याय पाई लड़े जारी रखिछंती परीर बापा मा। सीबीआई तदंत दाबी रे सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दाखल करिछंती, जहार सुनानी भी आरंभ होइछि। मार आखि खोजुछि ता परीकु, बर्षे हेला खेलिबाकु जाइछि जे आउ फेरिनि। मार मन बुझुनि ता परी चली जाइछि अफेरा राइजुकु। ता अझट, ता धूलि खेल, ता कंठेइ खेल, केमिति बा बुझिब मार मन। हेले पण करिछि झियो को न्याय देब, बर्षे परे भी से हारिनि। लड़ुछि परी को न्याय देबा पाई। परी पूरा घटनाक्रम जुलाई 14, 2020 घर सामनारे खेलुथिबा बेले निखोज होइकला जदुपुर 5 वर्षर झियो परी। ऑटो ड्राइवर अशोक साहू और सौदामिनी साहू का एकमात्र झियो परी। जुलाई 14 नयागढ़ सदर थाना रे मिसिंग रिपोर्ट देले परीर बापा मा। 23 जुलाई रे घर पछपाख पोखरी एक अखावस्थार शव मिलला। 10-12 खंड हाड़, खपुरी और किछि चुट्टी। परी को न्याय देबा पाई आंदोलन हैला, रास्तारोक हैला, पुलिस रो अवहेला अभियोग भी आसला। हेले नयागढ़ पुलिस शुणिलेनि, किंतु परीर बापा मां को बारंबार थाना को डाकि निर्यातना देइथिले सेते बेलर एसपी प्रत्युष दिवाकर ओटे। नवेम्बर 24 रे विधानसभा करे आत्महत्य उद्यम कले परीर बापा मां। बारंबार कहिले बाबुली नायक परी को हत्या करिछि, तांकु सुरक्षा देउछंती मंत्री अरुण साहू। सरकार को घेरिले विरोधी, एसआईटी तदंत आरंभ हैला। नाबालक को गिरफ कला। एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा कहिले ये दुष्कर्म व हत्या। एसआईटी तदंत एबे भी प्रश्न घेरे। फोरेंसिक रिपोर्ट कहिला सीमेंट रो ग्रुपिंग करी हेबो नाही, प्रमाण रे तालमेल भी रहिला नाही। एहा भितरे परीर मा सौदामिनी साहू सुप्रीम कोर्ट रे मामलार सीबीआई तदंत दाबी करिछंती। वर्षे हेला न्याय पाई लढ़ी करुछंती परीर बापा मा। गोटे वर्ष हो गला मो झीर ता 12 दिन तो आमको उठे ना आम झीर कम काज कि पार्लुनि। बाबुली ता सहयोगी मैंने पूरा प्लान अच्छा से आम कि करूँ, खाली अन अन न्याय अन अन आम गोटे वर्ष होगा छाटपिट होमती आम झील को न्याय मिल के शांति रोबू केमी कौन हम कि दोषी मैंने धरा पड़े सतर उन्मोचन हम कि होनी। राज्य सरकार आम कथा शुणिले से आम सुप्रीम कोर्ट गलु केमती आम झील को न्याय मिल से भी राज्य सरकार जाकि खोर्ट कर कौन पर आम तो चाहूँ कि केमती सीबीआई तदंत हो जे दोषी से धरा पड़ू। सरकार तो चाहूना कौन हम कौन ना से विषय कौन कह आम चाहू सीबीआई तदंत हो। परी हत्या तो आसिक बर्षे होगा आज्ञा आम लड़े कर चलीचु एवं राज्य सरकार जेहेतु मंत्री अरुण साहू ए संपृक्त रही से घोड़े चली आम सुप्रीमकोर्ट कलु। सुप्रीमकोर्ट में से बड़ वकिल देखिए दबेबा चाहते कौन पर राज्य कौन न्याय मिलन छोट शिशु मानू आम चाहूँ जे सीबीआई तदंत हो प्रकृत दोषी जी से उपयुक्त भाव दंड पाऊ। परी आंदोलन को आगो को बढ़ाई सेते बड़ सरपंच सौम्यरंजन प्रधान। सौम्य और अरुण का वायरल ऑडियो मंत्री अरुण साहू का अड़ुआ बढ़ाई परी आंदोलन को बंद करिबा पाई सौम्य को धमक दे अरुण। मु सब जानु छी मु चुप अछि कहू नै से हे ओडा सेंती नै नै टिके लिमिटेशन बाहर पळै बणु तो। परे सौम्य को उपरे आक्रोश रखि तांको सरपंच पदरो षडयंत्र करी हटाई देथिबा अभिजोग भी होई। परी हत्याकांड को वर्तमान वर्षे पूरब तो मुझे रखा चाहूँगी नयागढ़ में शिशु सुरक्षा उपरे वर्तमान जिलापाल ध्यान दिंतु आशा करूँ जे परी भलिया घटना नयागढ़ नुह सारा ओडिशा रे से पुनरावृत्ति न हो। जदि पुनरावृत्ति हुए आगामी दिन में कौन सी बापा माँ मैंने शांति रही न रहा सहित
ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ରହିବେ ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବି କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି କାହା ପାଇଁ। ପରି ମାମଲାରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଆଇଟି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ କଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କାହିଁକି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ପରି ବାପା ମାଙ୍କର? ପରି ବାପା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ? ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ସାକ୍ଷୀ ବନାଇଲା ସେମାନେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି? ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ କହି କାହିଁକି ଭୁଆ ବୁଲାଇଥିଲେ ସରକାର? ଜାମକୋଳି ଗପର ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ? ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କାର ଡିକିରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ତେବେ ତମାଣ୍ଟୋରୁ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। କାର ଡିକିରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। କାର ଭିତରେ ଥିବା 3 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କରା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୀତବାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୀତବାସ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍କିଆରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର ମାଫିଆଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ, ରାତି ଅଧିଆ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ବାଦ ପଡ଼ୁନି ଗୋଚର କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବେଫିକର ଭାବେ ତାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟର ମାଫିଆ ରାଜସ୍ୱରେ ଚୁନ ଚୁନ ଲଗାଇବାରେ ମିଡିଲମ୍ୟାନ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ମାଫିଆ ଅଫିସର ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଜେସିବି ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋରମ ଓ ମାଟି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସଟ୍ଡାଉନରେ ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିବାର ଚାଲିଥିଲା, ଗତ ରବିବାର। ଏ ବାବଦକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନାକ ନିଶ ତଳେ ଚାଲିଛି। ଏଭଳିଆ କାରବାର, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ମୁରୁମ ଚାଲାଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ମୋର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଏଭଳିଆ ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ରହିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଉ। ପ୍ରଶାସନ ତ ସେ ମାଫିଆକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଅ, ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିବେ, ରାତି ଅଧିଆ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ସବୁ ଖାଲ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଇପାଇଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରକୁ। ମୋର ମାଫିଆ ନଜରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି। ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋରମ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଇବଣିଆ, ବେଗୁନିଆ, କୁଶଗଡ଼, ବାରଡିହା, ଖୁଆଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ପଖୁଡ଼ିପଦା, ରାଇଶୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋରମ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋଦ ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି
स्वीकार करने एथिपाई स्वतंत्र टीम गठन तहसीलदार स्थानीय पुलिस आमको के पुलिस केवल थे बोधे गोटे दिन दीटी गाड़ी बाली गाड़ी जबत करता कि मोरंग गाड़ी जबत करना तेनाली खबर पुलिस देले कि लोक देले भी आम जाड करू कौन कर राजस्व मंत्री सुदाम मराठी कौन करजस्व विभाग आँ कर राजस्व विभाग कर्मचारी कोटी कोटी टंकार राजस्व हानि लघु खनिज सामग्री बाहर राज्य को चालाण होता बेले केबे भांगिबो सरकार नीत यह रही समस्त नजर जलेश्वर गोपबंधु साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सारी बुलेटिन को ये रखुच नमस्कार।